अभी सो जाओ क्योंकि कल का दिन मेरे लिए भी लंबा है, तुम्हारे लिए भी बहुत लंबा है। सुबह जाना है मेरे को शादी वाले वेन्यू पे निया बिटिया के साथ, तो प्लीज थोड़ी देर सो लेने दे यार। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। अजीब अतृप्त आत्मा ये सड़ो। हाय, कैसे कॉल किया? ऑल गुड। एक्चुअली इमरजेंसी कॉल है निया, मेरे शो पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करना था, तो एक गेस्ट ने बैकआउट कर लिया यार, तो समझ नहीं आ रहा था करूं क्या। फिर रियलाइज हुआ कि तुम परफेक्ट हो, सो मैं तुम्हारा इंटरव्यू लेने वाली हूँ। मेरा इंटरव्यू? देखो करना कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें क्वेश्चंस पूछूंगी, तुम्हें जवाब देना है। जानवी, आई डोंट नो, आई मीन प्लीज 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 निया। ओके ठीक है। हेलो जानीमंस, आप लोग सुन रहे हैं आज जानी को ऑन FM 24, और फिर लेके आ गई हूँ मैं आप सबका चहीता शो दिल विल प्यार व्यार। आज मैं एक शो कर रही हूँ ऑन डैडीज डार्लिंग डॉटर्स। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माय गेस्ट टुडे, प्लीज वेलकम निया शर्मा। निया अपने डैड की शादी करवाने वाली है, सो इसके बारे में बात करेंगे निया से। सो हाय निया, वेलकम। हाय निया, तुम बता रही थी कि ये तुम्हारा एक सपना है। हाँ, यस। पर तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि तुम्हें अपने डैड के लिए दुल्हन ढूंढनी चाहिए? जानवी, तुमने कभी बचपन में आई स्पाई खेला था? मतलब छुपन छुपाई, राइट? हाँ, अपने मॉम डैड के साथ। ऑफ कोर्स खेलिए यार, मेरे घर पे बैंड था, डैड ने कभी मुझे खेलने नहीं दिया। वो ना कभी गेम में भी ये फील नहीं करना चाहते थे कि उनके फैमिली में कोई खो गया हो। एक्चुअली मॉम की डेथ के बाद ना चीजें काफी बदल गई थी, डैड खुद को ब्लेम करने लगे, उन्हें लगा कि उनसे कोई गलती हो गई हो, इसीलिए डैड मेरे लिए इतना ओवर प्रोटेक्टिव भी है। आई मीन उनका बस चले ना तो वो 24 घंटा मेरे पीछे ही घूमते रहे। सच में निया, तुम्हारा और तुम्हारे डैड का रिश्ता बहुत ज्यादा स्पेशल है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं पेरेंट हूँ और वो बच्चा। पर कुछ दिन पहले मुझे ये चीज लगा ना कि मैं चाहे कुछ भी कर लूँ ना, डैड फिर भी ना बहुत अकेला फील करते हैं, और मैं वो जगह कभी नहीं ले सकती जो एक एक पार्टनर की होती है। और सच बोलूं तो मैं डैड को ऐसे देख नहीं पा रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें लगा कि तुम्हें उनके लिए दुल्हन ढूंढनी चाहिए, एक पार्टनर ढूंढना चाहिए। हाँ, और एक्चुअली इसलिए भी कि वो मेरे अलावा किसी और का भी दिमाग खाए। मैंने अक्सर देखा कि बच्चे ना खुद की लाइफ पे ही फोकस करते हैं, लेकिन अपने माँ बाप के लिए इतना सोचना कौन सा बच्चा सोचता है यार। जानवी, मुझे बाकी बच्चों का नहीं पता, बट इतना पता है ना कि अगर हम बच्चे अपने पेरेंट्स के लिए नहीं सोचेंगे तो और कौन सोचेगा यार। हमारे माँ बाप ना अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं हम लोगों के पीछे, क्या क्या नहीं करते हैं यार, इतने कॉम्प्रोमाइजेस, और हम लोग कुछ भी कर ले ना वो कभी इनफ नहीं होगा। एब्सोल्युटली निया, इसीलिए तुम्हें मेरे और मेरे सुनने वालों की तरफ से तुम्हारे डैड की शादी के लिए बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अब मेरा आखिरी सवाल, सो अब आगे क्या? मतलब? अरे मतलब अब तुम्हारे डैड की शादी हो जाएगी, उन्हें एक साथी मिलने वाला है जिसके साथ वो अपनी बातें करेंगे, अपना वक्त स्पेंड करेंगे, तो क्या तुम्हें लेफ्ट आउट फील नहीं होगा? तुम्हारी भी तो जिंदगी बदलेगी। बड़ा थक गई मैं तो आज तो, आए, आए, टांगे भी दुख रही हैं। प्राची, पैरी पोनो प्राची, सत श्री अकाल, कैसे हो तुसी? जुंदी रहे। पहले मैंने वो दस के संगीत च कितना नाची तू? ओ नहीं जी प्राची, मैं कहाँ नाची, मैं तो आराम से कोने में बैठी हुई थी, बच्चे नाच रहे थे। हेलो, कर दी बात, खानदान की नाक काट दी। अरे हम पंजाबियों की शादी तो नाच गाने से ही मशहूर है। अच्छा प्राची,
आपको सच बताओ, हमने ना बड़ा नाचा और गुनीते ने भी बड़ा एंजॉय किया। हम तो आपको बड़ा मिस कर रहे थे। नाक नहीं कटवाई मैंने बिल्कुल भी। अच्छा अच्छा अच्छा, तू मुझे ये बताएं कि शादी में कितने कितने बजे क्या क्या हो रहा है? 10 से 11 बजे तक है हल्दी, फिर उसके बाद हम करेंगे पूजा। 12:30 तक पूजा खत्म हो जाएगी, तो फिर बारात 7 बजे का बोला है प्राची उन लोगों ने, तो फिर जयमाल 7:30 और 9 बजे फिर शादी हो जाएगी। ठीक है, और सुन शादी में क्या क्या होना है मैं बता रहा हूँ। शादी में बैंड भी अच्छा होना चाहिए, कैटरर्स का इंतजाम ठीक किया है ना, खाने पीने का, और मंडप मंडप अच्छा बना है, बाकी मैं देख लूंगा, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हेलो प्राची। हाँ प्राची, आपका आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। हेलो, सुन सक रहे हो? तेरी आवाज क्यों कट रही है? हेलो, हाँ अरे कट गया, सिग्नल चला गया, ये भी चली गई। प्राची, इन दोनों को देखो, इन दोनों ने अपनी खुद की हल्दी कर ली। तुम्हें मंडप पे भी बैठा दे। श्री सुनना, ये मैं करता हूँ तुझे। What happened? ये क्या हो गया? हल्दी गिर गई। हल्दी से होली खेल रहे थे क्या? पूरे कपड़ों पे भी गिरा ली। एक सेकंड दिखाओ। गाइस चलो यार, रैप अप करना है ना, जल्दी हाथ चलाओ, वेडिंग की प्रेपरेशंस भी करनी है। चलो अंदर चलते। एक बार अप्रूव कर दे, तूने बोला था मैंने लेके तो आई थी। क्या हुआ? नहीं हो पाएगा यार। क्या नहीं हो पाएगा? वो तो रहा, तू टेंशन मत ले, मैं करा रही हूँ ना। ये सब नहीं तो क्या? ये फ्रेंड जोन नहीं हो पाएगा मुझसे। मैं तेरी पप्पी ले लूं? हाँ ले। निया चलो हल्दी के लिए रेडी हो जाओ। चलो, बुलावा आया है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।